अब मुसाफरी कर रहे हो, अब फ्रेंड के साथ हो, अब फैमिली के साथ हो, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उस वक्त पे किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करोगे? आपका रिप्लाई होगा कि हम सबसे पहले उस पेशेंट को अस्पताल लेके जाएंगे। लेकिन हार्ट अटैक की जब सीवियर कंडीशन होती तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि उस मरीज को अस्पताल लेके जा सके। पर आपको पता ही होगा कि हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत डाइट की वजह से जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के टाइम आपको फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए। तो छोटी सी माहिती किसी की जान बचा सकती है। उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो एज अ फर्स्ट एड आपको क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक की जो कंडीशन वो तो दो तरह की होती, एक होती सीवियर एंड दूसरी होती मॉडरेट। जब भी हार्ट अटैक की मॉडरेट कंडीशन होती है तो पेशेंट को छाती के बीच में दर्द होता है, साथ ही वो दर्द लेफ्ट हैंड तक जाता है, इवन वो गले पे झोलाइन पे वहां पे भी दर्द होता है। इसके अलावा पेशेंट को ठंडे पसीने आते हैं, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा दिखना, इवन नोजिया होना और साथ ही सांस लेने में दिक्कतें आना। इस सभी तरह की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब हार्ट अटैक की मॉडरेट कंडीशन हो। तो सबसे पहले मरीज को जमीन के ऊपर या फिर फ्लोर के ऊपर लेटा दे और साथ ही 108 या फिर नजदीकी अस्पताल में फोन कर दे। इसके अलावा आप मरीज को शांत रहने का बोले, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही सारे मरीज पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने की वजह से आपकी जो हार्ट बीट थी वो बढ़ जाती है और साथ ही आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी वो क्रिटिकल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट ने बहुत ही टाइट कपड़े पहने तो कपड़ों को खोल दे या फिर कपड़ों को निकाल दे। अगर हार्ट अटैक किसी को रूम के अंदर, घर के अंदर आता है तो सारी की सारी विंडो को खोल दे, जिसकी वजह से अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो पाए। अगर आप इतनी सिंपल सी बातों का ध्यान रखोगे तो जो मॉडरेट हार्ट अटैक होता है उसके अंदर आप मरीज की जान को बचा सकते हो। अब बात करते हैं सीवियर हार्ट अटैक के बारे में। सीवियर हार्ट अटैक के अंदर जो मरीज होता है वो बेहोश हो जाता है, और जब भी आपको लगे कि मरीज बेहोश हो चुका है तो सबसे पहले उसको हार्ड फ्लोर के ऊपर लेटा दे और साथ ही उसके नाक के पास अपने गाल को ले जाए और चेक करके उसकी ब्रीदिंग चल रही या फिर नहीं, और साथ ही उसके हाथ को भी चेक करके उसकी पल्स चल रही या फिर नहीं। जब को लगता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही, उसकी पल्स नहीं चल रही, तो उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। और जो कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन है वो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की वजह से होती है। और जब भी आपको लगता है कि मरीज कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में चला गया है तो उस टाइम पे आपको उस मरीज को CPR देना पड़ेगा। CPR मीन्स कार्डियो पल्मोरी रेसुसिटेशन। CPR देने के लिए आप सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाए और साथ ही अपने हाथ को ऐसे मुक्का बना ले जो कि नकल्स होते हैं वो पेशेंट के छाते के बीच में इस तरह से दबाए। अगर पेशेंट को जवाब नहीं दे रहा, अगर पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, तो आपको तुरंत CPR देना पड़ेगा। CPR देने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरह से रखना है और दूसरे हाथ को इस तरह से लॉक करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो हाथ होगा उसके ऊपर ऐसे V-शेप बनना चाहिए, मीन्स इस तरह से V-शेप बनना चाहिए। और इस तरह से अपने हाथ को जो पेशेंट के दोनों निप्पल्स होते हैं उसके बीच में आपको रखना है, और साथ ही आपको इस तरह से प्रेशर देना है। एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी CPR देते हो तो आपका जो हाथ है वो कोने से मुड़ना नहीं चाहिए, मीन्स आपके हाथ हमेशा सीधे रहने चाहिए। तो CPR देते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो कंप्रेशन होगा वो एक मिनट में 100 बार होना चाहिए, और साथ ही जो कंप्रेशन होगा 2 इंच तक होना चाहिए, मीन्स आप जब भी पेशेंट को इस तरह से प्रेस करोगे उसकी जो छाती होगी 2 इंच तक अंदर दबनी चाहिए। अगर आप इस तरह से प्रॉपरली कंप्रेशन देते हो तो आप मरीज की जान को बचा सकते हो। आपको कंप्रेशन तब तक देते रहना है जब तक मेडिकल टीम वहां पे नहीं आ जाती या फिर जो भी मरीज था वो होश में नहीं आ जाता। अगर आप 1 मिनट तक मरीज को ठीक तरह से कंप्रेशन देते हो तो मरीज 10% तक खतरे से बाहर आ जाता है, और अगर आप 5 मिनट तक कंप्रेशन ठीक से देते हो तो मरीज 50% जितना खतरे से बाहर आ जाता है। इस यूजफुल माहिती को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले उनको शांत रखें और साथ ही आप खुद भी शांत रहे। अगर आपको मेरी माहिती यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।